नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर में आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम इसके टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे। फंडामेंटली आप जानते हैं ये बजाज ग्रुप के दो बेहतरीन शेयर है, तो इसके फंडामेंटल्स में हमें कोई शक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी जो हमारा लॉकडाउन का सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार आपको क्या करनी चाहिए, किस प्राइस पे आपको इस पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसके हम बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है जिसे जाकर के आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन दबा दीजिएगा। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देश में आज 90 पॉइंट्स डाउन है, समझ सकते हैं 4.54% आज ये डाउन है, मतलब 5% के अप्रोक्स करेक्शन इसमें आया है। तो अगर इस तरह से अगर 5 डेज आ जाए लगातार, मतलब मार्केट में लगातार गिरावट हो जाए और बजाज फाइनेंस में भी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं इसका प्राइस आपको 1500 के आसपास देखने मिल सकता है। कहाँ ये शेयर हमारा 5000 के आसपास हुआ करता था, कहाँ ये 1500 के आसपास, तो समझ सकते हैं ऐसे में आप भी घबरा जाएंगे कि क्या इस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस सिनेरियो की हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा है फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भारी गिरावट देखने मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन का सिचुएशन है उससे इसके कामकाज बहुत ही अफेक्टेड हुए हैं। जो बैंकिंग सेक्टर है उसका थोड़ा बहुत तो कारोबार चल भी रहा है, लेकिन जो फाइनेंस सेक्टर है उसका कारोबार बिल्कुल भी बंद है। तो ऐसे में जो 10 जो था मार्च के लास्ट में जो 10 डेज का लॉकडाउन था उसके कारण इसका रिजल्ट जो बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुआ है। तो हम लेकर चलेंगे आपको रिजल्ट पे भी दिखाएंगे कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है 2020 के फाइनेंशियल ईयर का वो बहुत ही बहुत खराब आया है। मात्र 10 दिन के लॉकडाउन का इतना इम्पैक्ट है, तो आप समझ सकते हैं क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा तो इस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसे में हम कहेंगे अगर हमारा लॉकडाउन जो है क्वार्टर वन के रिजल्ट तक कंटिन्यू रहता है, मतलब क्वार्टर वन के रिजल्ट तक हमारा लॉकडाउन बढ़ जाता है और बाजार में गिरावट का माहौल बना रहता है, तो हमको लगता है बजाज फाइनेंस जो है आपको 1000 के नीचे भी मिल सकता है, मतलब 1000 के नीचे भी इसका प्राइस आ सकता है। तो चलिए हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए 2008 का चार्ट है हमारा, ये इसका प्राइस देखिए 2008 में हमारा 40 रुपीज़ हुआ करता था। आप चलते हैं इसमें जो गिरावट आया था तो देख सकते हैं ये 11 रुपीज़, 7 रुपीज़, देख सकते हैं यहाँ पर 6 रुपीज़, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ तक आ चुका था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गिरावट आया था कि ये शेयर 40 रुपीज़ से 5 रुपीज़ तक आ गया था। तो समझ सकते हैं 2008 के गिरावट में, मतलब उस क्राइसिस में ये 40 रुपीज़ से 5 रुपीज़ पे आ गया था। तो उसी तरह का गिरावट इस बार भी देखने मिल रहा है, समझ सकते हैं आप। इसका जो 52 वीक हाई है इसमें 4923, और अभी ये यहाँ से मतलब ये 4900 से गिर करके अभी जो है आप देख सकते हैं 1900, मतलब जो 1900 है उससे भी नीचे आ चुका है। इसी तरह का गिरावट अगर बना रहा, मतलब इसी तरह का अगर सैनेरियो बना रहता है लॉकडाउन का कि इसके कामकाज जो पूरी तरह से ठप रहेंगे, तो क्वार्टर वन के जब रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही बहुत बैडली अफेक्टेड होंगे। हो सकता है क्वार्टर वन के रिजल्ट नेगेटिव में चला जाए, तो वैसे में आप समझ सकते हैं ये स्टॉक्स आपको बहुत ही नीचे के प्राइस पे मिल सकता है। तो वैसे में आप इसमें क्या करें, अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आप एक शेयर अभी उठाएं, फिर वेट एंड वॉच करें, तो फिर अगर गिरावट आता है तो फिर वहाँ पर एक शेयर उठाएं। इस तरह से आपका हर एक प्राइस पर शेयर बाय होगा, जिससे एक एवरेज प्राइस जो कि बहुत ही न्यूनतम होगा। तो इस तरह से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें हम भी इन्वेस्टेड है, हम 3000 से इसमें इन्वेस्टेड है, 3000 से हम इसमें SIP कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि जैसे जैसे और ये नीचे गिरेगा तो फिर हम नीचे के प्राइस पे इसमें बाइंग करेंगे, इस तरह से एवरेज आउट करेंगे, क्योंकि ये शेयर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे इसका कामकाज पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, हमारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, तो ये शेयर जिस तेज़ी से गिरावट देखने मिला है उसी तेज़ी से आपको इसमें अप मूव भी देखने मिल सकता है। तो बजाज फाइनेंस में आपका यही होना चाहिए स्ट्रेटेजी कि जैसे और गिरावट आता है तो एक एक शेयर जो आप हर वीक उठाएँ, हर सप्ताह आपको एक एक शेयर इसमें लेना है, क्योंकि हर गिरावट पे आपके पास शेयर होगा जिससे आपका एवरेज प्राइस जो है बहुत ही नीचे होगा। तो ऐसे में ये शेयर जैसे नॉर्मल सिचुएशन आता है तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। और चलते हैं तो हम इसके आपको रिजल्ट पर ले जाते हैं। देखिए यहाँ फाइनेंशियल पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ फाइनेंशियल पर क्लिक किए यहाँ पर आप रिजल्ट
जो है देख सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट रहा। मात्र 10 दिन का लॉकडाउन जो है कितना इफेक्ट डाला है इसके रिजल्ट पे, आप यहां से देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहां पर देखिए 948 करोड़ इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है। मार्च क्वार्टर का मात्र 10 दिन लॉकडाउन था, और वही देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में ये बहुत ही बहुत बड़ी गिरावट देखते हैं। और पिछले क्वार्टर में था 1614 करोड़, और इस क्वार्टर में मात्र हो गया 948 करोड़। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने मिला है प्रॉफिट में। और यहां पर देखते हैं सेल्स में तो कोई गिरावट नहीं था, सेल्स में गिरावट नहीं होने के बावजूद प्रॉफिट में भारी गिरावट आया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखते हैं टोटल इनकम में भी गिरावट आया। सबसे बड़ी जो कारण है वो है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा है, इनकम कम, मतलब जो सेल्स है वो लगभग फ्लैट ही रहा, थोड़ा सा सेल्स में वृद्धि हुआ, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत ही ज़्यादा का वृद्धि हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण देखते हैं प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा फॉल देखने मिला। ये बहुत बड़ा फॉल किस कारण से है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक, यहाँ पर देखते हैं कोरोना वायरस पैंडमिक और लॉकडाउन के कारण बजाज फाइनेंस लॉस्ट 10 प्रोडक्टिव डेज, जो प्रोडक्टिव डेज होता है ड्यूरिंग द क्वार्टर, इन द लोअर एक्वाइजेशन ऑफ नियरली 1 मिलियन लोन अकाउंट्स। 1 मिलियन जो लोन अकाउंट्स है उससे कोई भी एक्वायर्ड नहीं होगा, इसीलिए जो हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो फॉल हो गया अप्रॉक्सीमेटली 4500 करोड़। तो समझ सकते हैं इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट में फॉल हुआ मात्र 10 दिन के लॉकडाउन और पैंडमिक सिचुएशन के कारण। तो समझ सकते हैं जो हमारा उसके बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, दो दो महीने का जो लॉकडाउन है, तो दो दो महीने में एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना लॉस हुआ होगा बजाज फाइनेंस के। तो उस अनुसार से आप समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ ये रिजल्ट ही प्रभाव नहीं डालेगा, दूसरा जो मुख्य कारण है कि हमारा जो सिचुएशन है मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अगर मार्केट में गिरावट बना रहता है, प्रेशर बना रहता है, तो निश्चित है कि बजाज फाइनेंस में भी गिरावट आएगा। लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, मार्केट में रिकवरी देखता है, मतलब मार्केट रिकवर करता है, तो बजाज फाइनेंस के शेयर में भी आपको तेज रिकवरी देखने मिल सकता है। तो इसलिए आप मार्केट के डायरेक्शन को सबसे पहली वरीयता दें कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, दूसरा सिचुएशन हमारा नॉर्मल कब तक में होता है। तो दूसरा शेयर है हमारा बजाज फिनसर्व, दोनों एक ही ग्रुप का शेयर है, दोनों के साथ सेम कंडीशन है। तो बजाज फिनसर्व में भी आपको वही अप्लाई करना है स्ट्रेटेजी कि जैसे इसमें गिरावट आता है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा अभी है 4330 रुपीज़, और कभी ये हुआ करता था 9950 रुपीज़। तो समझते हैं ये 10,000 रुपीज़ का स्टॉक्स अभी 4000 पे आ चुका है, 4000 ये कभी भी रीच कर सकता है, 4000 कभी भी रीच कर सकता है। तो समझ सकते हैं मात्र 300 पॉइंट्स ही अप है, तो कभी भी 4000 प्राइस ये रीच कर सकता है। और आपको दिखाते हैं कि 2008 का जो क्राइसिस था उसमें क्या हुआ था, देखते हैं 2008 में ही ये लिस्ट हुआ था, उस समय प्राइस था 600 के आसपास। उसके बाद लगातार जो हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ा था, तो ये समझ सकते हैं वहाँ से आ चुका था ये 97 रुपीज़ 93 रुपीज़ के आसपास। तो 600 से समझ सकते हैं 100 से भी नीचे जाना कितनी बड़ी गिरावट था, उतनी ही बड़ी गिरावट इस बार भी देखने मिला है। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि अगर हमारा सिचुएशन अगले 6 महीने 1 साल में जाकर के अगर सिचुएशन इसी तरह का नॉर्मल हो जाता है, तो समझिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर अभी भी चाहते हैं कि बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करना, तो जैसे अभी गिरावट में आपको मिल रहा है तो एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, अगर और गिरावट आता है तो अगले सप्ताह आप एक और क्वांटिटी लेंगे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे गिरावट आता है तो हर एक सप्ताह आप एक एक क्वांटिटी ले सकते हैं, जिससे एवरेज प्राइस आपका बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस होगा, और इस तरह से आप बहुत ही एक एवरेज वैल्यू पर, एक न्यूनतम वैल्यू पर आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जैसे मार्केट रिकवर करता है तो ये दोनों स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेगा, तो ऐसे में आपको बहुत ही अब बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बस मैनेजमेंट भी अच्छा है, बस जो सिचुएशन है जो पैंडमिक है वो इसमें एक गिरावट लाया है। तो ये गिरावट अस्थाई गिरावट नहीं है, कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ी नहीं है, कोई टेक्निकल में गड़बड़ी नहीं है, कोई फंडामेंटल्स में गड़बड़ी नहीं है। अब हम आपको फाइनेंशियल पर लेकर चलते हैं कि गिरावट का जो मुख्य वजह है, इस 10 दिन का जो सिचुएशन था, 10 दिन के सिचुएशन में देख सकते हैं इसके प्रॉफिट में कितना बड़ा फॉल आया है। बजाज फिनसर्व देखते हैं आप, बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा इसमें
असर पड़ा है। देख सकते हैं ये मात्र प्रॉफिट इसका जो है 538 करोड़, और देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो था 1977 करोड़, तो बहुत बड़ी गिरावट आई है प्रॉफिट में, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू देखिएगा तो रेवेन्यू में भी बहुत ही मतलब सेल्स में भी बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पर देखने मिला था। देख सकते हैं 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल्स में गिरावट था। यहाँ 14,558 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में हो गया 13,294 करोड़, तो सेल्स में भी बहुत ही भारी गिरावट था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बहुत ही फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन जो पैंडमिक सिचुएशन है ये आपको देखना है आगे कब तक नॉर्मल हो सकता है। अगर ये लंबा खींचता है, मतलब ये पैंडमिक सिचुएशन बहुत ही लंबा चलता है, तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आप आगे चल करके और भारी गिरावट देखने मिल सकती है। तो आपने देखा कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, मतलब ये सिचुएशन कंटिन्यू रहता है, तो इसमें और लगातार गिरावट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बजाज फाइनेंस एयर फॉल्स 9% आफ्टर, देखते हैं बंस 10 डाउनग्रेड स्टॉक्स, शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस लेट फेल टूडे, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं इट्स अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंस मॉडल, इसका जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंस मॉडल है वही इसका काउज है इसके इतने ज़्यादा गिरने का। तो समझ सकते हैं आप जो है इन सारे सिचुएशन को ध्यान में रखना है कि कब सिचुएशन नॉर्मल होता है, तो सिचुएशन को नॉर्मल जो आगे कितने दिनों में हो सकता है इसको ध्यान में रख करके आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करेंगे, और जब भी इन्वेस्ट करेंगे SIP मोड में करेंगे। कभी भी आपको एक ही बार सारे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी अपना सारा का सारा पैसा इसमें नहीं फंसाना है, आपको SIP मोड में थोड़े थोड़े अमाउंट करके इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।